बिग बॉस के घर में वीकेंड के बाद पर एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला था, जिसके बाद घर के अंदर 6 चैलेंजेस की एंट्री हुई है। हालांकि 6 चैलेंजेस में से राखी सावंत अभी भी घर के अंदर नहीं आई हैं, क्योंकि वो 7 डेज के क्वारंटाइन में हैं। वहीं बाकी कंटेस्टेंट आते ही घर के अंदर एक्टिव हो गए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये चैलेंजेस भी शो की टीआरपी को उठा नहीं पा रहे हैं। वीकेंड के वार पर राहुल वैद्य और निकी तंबोली के इविक्शन के बाद से ही शो की टीआरपी लगातार गिर रही है, जिससे शो के मेकर्स भी परेशान हो गए हैं। आपको याद होगा कि वीकेंड के वार पर राहुल वैद्य ने वॉलंटरी एग्जिट किया था, लेकिन इससे फैंस बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। वहीं मीडिया में खबरें ये आई हैं कि राहुल वैद्य अपनी मर्जी से शो से आउट नहीं हुए हैं, बल्कि उन्हें जबरदस्ती निकाला गया है। जी हाँ, वोटिंग ट्रेंड्स में राहुल वैद्य सेकंड नंबर पर थे। रुबीना दिलैक को वीकेंड के वार पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे। वहीं रुबीना दिलैक के बाद राहुल वैद्य को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। डेंजर जोन में जैस्मिन भसीन और निकी तंबोली थी, यानी कि ऑडियंस के वोट्स के आधार पर जैस्मिन को घर से आउट होना चाहिए था, लेकिन जैस्मिन को मेकर शो से नहीं निकालना चाहते थे, जिस वजह से राहुल वैद्य पर दबाव बनाया गया ये कहकर कि वो शो में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और शो में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ऐसे में उन्हें खुद ही घर से एग्जिट कर लेना चाहिए, और यही वजह रही कि राहुल वैद्य ने वीकेंड के वार पर वॉलंटरी एग्जिट कर लिया। हालांकि इसके बाद से ही फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं और लगातार ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इसी के साथ शो की टीआरपी पर भी खासा असर पड़ा है, क्योंकि राहुल वैद्य के फैंस अब शो को बॉयकॉट कर रहे हैं, जिस वजह से शो की लगातार टीआरपी गिर रही है। अब वॉलंटरी एग्जिट करने की वजह से राहुल की री एंट्री भी नहीं हो सकती है। ऐसे में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स ऑडियंस को दोबारा से इम्प्रेस करने के लिए और क्या करते हैं। वहीं खबरें ये भी हैं कि निकी तंबोली और अली गोनी की दोबारा से री एंट्री कराई जा रही है। हालांकि ऐसा कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जो चैलेंजर्स घर के अंदर आए हैं वो अच्छा परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है और शो के अंदर और कौन से ट्विस्ट आते हैं। वहीं आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ क्रिस क्रॉस इंडिया को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।